आप इस तस्वीर में छात्रों को देख रहे हैं, यह सारे बीएड के छात्र हैं। इन लोगों को जहां दिन में 12 बजे के कॉलेज के क्लास में होना चाहिए था, वह लोग उपायुक्त कार्यालय को धरने पर बैठे हुए हैं। जब छात्रों से बात किए तो पता चला कि इन लोगों को 2021 में मिलने वाली छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है। छात्रों ने बताया कि हम लोग कल्याण पदाधिकारी से लेकर उपायुक्त से मुलाकात कर चुके हैं, पर हम लोगों का समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वही कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि आवंटन के लिए पत्राचार सरकार को किया गया है, जैसे ही आवंटन की राशि आएगी छात्रों को भुगतान किया जाएगा। 21-22 का आया ना, 22-23 का भी तक आया है। जितने भी पदाधिकारी है सबसे हम लोग मिल चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग आए थे, 1 वीक का टाइम मिला, 1 वीक हो गया, आज से हम लोग का इंटरनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। कॉलेज में हम लोग को एग्जाम नहीं देने दिया गया। आज आए, आज बात किए तो आज भी वही हाल, कोई भी सुनवाई नहीं, ना ही कोई डेट, कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ कारण आवंटन नहीं हुआ है अभी तक? कॉलेज से आप? हम लोग लाला प्रीतम कॉलेज से हैं और चतरा कॉलेज चतरा से भी हैं। कितने लोग हैं? प्रीतम बीएड कॉलेज और चतरा कॉलेज चतरा दोनों मिला के हम लोग टोटल 200 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 150 स्टूडेंट का अभी तक पैसा नहीं आया है और मात्र 50 लोगों का आया। उसमें से ज़्यादातर लोग SC ST ही है। OBC में मतलब कि लगता है लगभग 10% लोगों का पैसा आया, उससे ज़्यादा और किसी का पैसा नहीं आया। हम लोगों को बस इतना ही बोलना है कि सर जल्दी से जल्दी हम लोग का पैसा हम लोग को दे दे, अन्यथा हम लोग एग्ज़ाम देने में सहमत नहीं हो पाएंगे। अब तक कितने बार चक्कर आप लोग लगा चुके हैं? लगभग 20-25 बार। कॉलेज तो फी के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है और हम लोगों के पास पैसा नहीं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं किया जा रहा है। जिले के वरीय अधिकारी जब भी आ रहे, बस हम लोग को 1 सप्ताह 10 दिन का आश्वासन मिलता है कि जब भी पैसा आएगा आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही पैसा आया है और ना ही हमें पैसा मिल पा रहा है।